ब्रेकिंग न्यूज जमशेदपुर से, जैसा मुझे बताया गया था मेरे सूत्रों की तरफ से, जमशेदपुर ईस्ट से सीएम रघुवर दास पीछे चल रहे हैं। अभी पोस्टल बैलेट की बात हुई होगी और उसमें अगर रघुवर दास पीछे हो जाते हैं तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण इंडिकेशन है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो सबसे बड़ा राजनीतिक जुआ खेला था, क्या वो पूरी तरह से पिटने जा रहा है। भले से वो जीत जाए पर रुझानों में ही उनका पीछे चलना एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल संकेत जरूर देता है। यहाँ पर जमशेदपुर ईस्ट जो कि उनकी परंपरागत सीट रही है, लगातार यहाँ से जीतते रहे हैं, वहीं से उनके खिलाफ उनके ही पुराने सहयोगी सरयू राय जो कि बड़े तेज तर्रार माने जाते हैं, लालू प्रसाद यादव को राजनीतिक तौर पर घेरने में सरयू राय की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। झारखंड में बीजेपी का जो संगठन था उसको चलाने में, खड़ा करने में सरयू राय की एक बहुत बड़ी भूमिका रही थी। और अगर पहले किसी को याद किया जाता था तो कैलाशपति मिश्रा, सरयू राय, सुशील मोदी, ऐसे लोगों को याद किया जाता था। गंगा बाबू जो कि बिहार और झारखंड जो कि मिला जुला था उसकी पॉलिटिकल लीडरशिप हुआ करती थी। अनुराग को जोड़ना चाहते जी, आप कह रहे थे कि अगर रघुवर दास पीछे चल रहे हैं तो इसका सीधा मतलब ये कि आगे सरयू राय है और फिर गौरव बल्लभ कहां? अब मुझे देखना पड़ेगा, हमें नहीं पता कि अभी गौरव वल्लभ आगे चल रहे हैं या सरयू राय, चूंकि रघुवर दास के वोट काट रहे हैं इसलिए गौरव वल्लभ आगे हो गए हैं, हमको ये देखना होगा। लेकिन उनका पीछे चलना मेरे ख्याल से इस चुनाव का सबसे बड़ा डिफाइनिंग फैक्टर होगा। और आप ये देखिए कितना बड़ा अंतर कांग्रेस गठबंधन और बीजेपी के बीच होता जा रहा है। 39 सीटें यानी बहुमत से मात्र 2 सीटें दूर है रुझानों में कांग्रेस गठबंधन, बीजेपी मात्र 20 सीटों पर है। आज पहले की तरह 4 सीटें पाती हुई, पिछली बार 5 सीटें उसकी थी, और अदर जिसमें झारखंड विकास मोर्चा जो कि बाबूलाल मरांडी की पार्टी है वो, और उसके बाद अदर्स 2 सीटों पर आगे हैं। तो यहाँ पर एक बड़ी डिफाइनिंग सिचुएशन रुझानों में शुरुआती ढंग से आती हुई कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में। और जैसा कि लोग कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है, रघुवर दास क्या इकलौता फैक्टर है जिसने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हवा बना दी, इसका विश्लेषण करेंगे।